दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 8 जैसे ही फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुआ पूरी तरह से तबाही मच गया, क्योंकि इसके जो प्राइस है काफ़ी धांसू रखा है कंपनी ने, और इसमें आपको फीचर भी दोस्तों काफ़ी कमाल के मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस फोन का टक्कर होगा जो रियलमी ने कुछ दिन पहले इंडिया में लॉन्च किया था रियलमी C2 के साथ में। जी दोस्तों रियलमी C2 भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे फीचर मिलते हैं और इसका भी प्राइस काफ़ी अच्छा रखा है रियलमी ने। लेकिन दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 8 के लॉन्च होने के बाद काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो गए हैं कि क्या यहाँ पे रियलमी C2 को लेना चाहिए या इन्फिनिक्स हॉट 8 को लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोनों फ़ोन का मैं फुल कंपेरिजन करूँगा और बताऊँगा कि दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर रहेगा, किसमें अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा, कौन सा फ़ोन गेमिंग के लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोनों फोन के डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। तो रियलमी C2 का डिजाइन दोस्तों आपको बैक साइड में डायमंड का डिजाइन देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी मिलेगी। हालांकि इसमें आपको ग्लॉसी फिनिश दिया गया है जिसके चलते देखने में फोन काफ़ी अच्छा लगता है। जबकि हॉट 8 की बात करते हैं तो इसका भी डिजाइन दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, हालांकि इसमें भी आपको बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट की बॉडी मिल जाएगी, लेकिन इसमें भी ग्लॉसी फिनिश दिया गया है जिसके चलते देखने में भी फोन ठीक ठाक लगता है। दोस्तों इस फोन में आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, जबकि रियलमी C2 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं सामने की तरफ में, तो दोनों ही फोन में ड्यू ड्रॉप कॉनोस देखने को मिलेगा। डिस्प्ले साइज की बात करते हैं तो रियलमी C2 में आपको 6.1 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जबकि हॉट 8 में 6.52 इंच की, इसमें भी आपको HD+ डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं डिजाइन और डिस्प्ले में दोनों ही फोन काफ़ी अच्छे रहेंगे। कैमरा की बात करते हैं तो रियलमी C2 में आपको बैक साइड में डुअल कैमरा देखने को मिलेगा जो कि रहेगा 13+2 मेगापिक्सल का, जबकि हॉट 8 में आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा जो कि रहेगा 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, दूसरा जो रहेगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एनेबल करने के लिए, और तीसरा जो है इसमें आपको लो लाइट सेंसर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि बैक कैमरा आपको दोनों ही फोन ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं सेल्फी कैमरा के बारे में, तो रियलमी C2 में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जबकि आपको हॉट 8 में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो कह सकते हैं कि सेल्फी कैमरा में यहाँ पे थोड़ा सा बेटर हो सकता है इन्फिनिक्स हॉट 8। हालांकि दोस्तों जो रियलमी C2 है इसमें भी आपको सेल्फी कैमरा अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो दोनों ही फोन में मीडियाटेक Helio P22 प्रोसेसर यूज किया गया है जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, 2 GHz पर रन करता है। तो परफॉर्मेंस में दोस्तों दोनों ही फोन बराबर रहेंगे, आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। गेमिंग के हिसाब से बात करते हैं तो दोनों ही फोन में आप साधारण गेम खेल सकते हैं, ज़्यादा हैवी गेम आप दोनों फोन में नहीं खेल सकते हैं। पबजी की बात करते हैं तो दोनों फोन में आप आराम से लो सेटिंग में पबजी खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। रैम और स्टोरेज की बात करते हैं तो रियलमी C2 में आपको 3 रैम और स्टोरेज देखने को मिलेंगे, जो कि पहला रहेगा जिसमें आपको 2 GB RAM 16 GB का स्टोरेज मिलेगा, दूसरा जो रहेगा उसमें आपको 2 GB RAM 32 GB का स्टोरेज मिलेगा, और तीसरा जो रहेगा इसमें आपको 3 GB RAM 32 GB की स्टोरेज मिल जाएगा। जबकि इन्फिनिक्स हॉट 8 इंडिया में सिंगल वेरियंट में लॉन्च हुआ है जिसमें आपको 4 GB RAM 64 GB की स्टोरेज मिल जाएगी। दोस्तों दोनों ही फोन में आप 2 SIM एक मेमोरी कार्ड आराम से लगा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो दोनों फोन एंड्रॉइड के 9.0 पाई पर रन करेंगे। बैटरी की बात करते हैं तो रियलमी C2 में आपको 4000mAh की बैटरी मिलेगी, वहीं दोस्तों हॉट 8 में आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो बैटरी यहां पे काफी बड़ी देखने को मिल रही है हॉट 8 में। बात करते हैं अदर फीचर के बारे में, तो दोनों फोन में आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा और दोनों ही फोन में फेस अनलॉक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों प्राइस के हिसाब से दोनों ही फोन में काफी अच्छे फीचर दिए गए हैं। बात करते हैं प्राइस के बारे में, तो रियलमी C2 का जो पहला ब्रांड है इसका प्राइस है 5,999 रुपया, जो सेकंड ब्रांड है इसका प्राइस है 6,999 रुपया, और जो लास्ट ब्रांड है इसका प्राइस है 7,999 रुपया। जबकि हॉट 8 की बात करते हैं तो इसका प्राइस है 6,999 रुपया। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइस काफी धांसू रखा है इन्फिनिक्स ने। अब बात करते हैं दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट रहेगा, किस फोन को बाय करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइस के हिसाब से इन्फिनिक्स हॉट 8 बिल्कुल यहाँ पे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको मात्र 7,000 में 4 GB RAM 64 GB की स्टोरेज मिल रही है, और इसमें आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसका जो डिस्प्ले साइज है वो भी आपको बड़ा देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि प्राइस और फीचर के अनुसार से यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 8 बिल्कुल बेस्ट रहेगा। हालांकि दोस्तों रियलमी C2 भी काफ़ी अच्छा फोन है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको रियलमी की ब्रांडिंग चाहिए तो आप आराम से रियलमी C2 ले लीजिए, काफ़ी अच्छा फोन रहेगा। वैसे दोस्तों आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्छा लगा, आप इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बाय करेंगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही स्मार्टफोन के अपडेट लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।